हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टू का एफ चल रहा था हम लोग चैप्टर, तो उसमें कुछ और शेष प्रश्न बच गए थे, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। हम लोग का चैप्टर चल रहा था वर्ग एंड वर्गमूल, प्रश्नावली टू का एफ। तो इसमें कुछ और शेष प्रश्न बच गए थे, तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का सिक्स तक हो गया था, तो सेवन और एट लिया गया है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, पहले इसको करने के बाद उसको करते हैं हम लोग। तो देखिए, कहा गया है कि निम्न को भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें सिक्स तक पढ़े हैं पिछले हम लोग क्लास में, भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2916, यानी 2916 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि पेयर बनाते हैं, दाएं साइड से पेयर बनाते हैं हम लोग। तो एक पेयर, पेयर में दो संख्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक पेयर इधर और एक पेयर यहाँ पे, दो पेयर हमारा यहाँ पे बन गया। तो इसको हमको भाग विधि द्वारा निकालना है वर्गमूल। अब देखिए, यहाँ पे 29 संख्या है, तो 29 पढ़ेंगे हम लोग टेबल कि कौन सा टेबल का स्क्वायर, जैसे कि कौन सा संख्या का स्क्वायर अगर करेंगे तो 29 का करीब आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग चार का करते हैं स्क्वायर तो 16 हो जाता है, पाँच का करेंगे तो 25 हो जाएगा, और छः का करेंगे तो 36 हो जाता है। तो इससे हमको ज़्यादा नहीं लाना है, इससे कम हो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 29 लाना है हमको, तो चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25 और छः का स्क्वायर 36। 29 से कम हो जाए चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छः का स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है, पाँच का स्क्वायर कम है, तो हम पाँच का लगाएंगे। पाँच बार में लगाएंगे, पहले यहाँ पाँच, तो यहाँ पाँच भी प्लस करके लिखेंगे। पाँच का लगाएंगे कितना बार में, पाँच बार में, तो पाँच का पाँच बार करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको माइनस करते हैं हम लोग, इसको ऐड करते हैं, पाँच या पाँच 10 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से जब भी उतारेंगे तो पेयर के साथ में उतारेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखेंगे, और जो संख्या रखेंगे उसी से गुना करेंगे कि हमारा 416 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि लास्ट में इसका 6 आ रहा है, इसका लास्ट में क्या है, 6 आ रहा है। तो कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 6 आता है, कौन सी संख्या का स्क्वायर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि चार का स्क्वायर में 6 आता है और 6 का स्क्वायर में 6 आता है। चार का स्क्वायर में 6 आता है 16 लास्ट में, और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 लास्ट में 6 आता है। दो संख्या के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पे 10 है, या तो ये संख्या होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 हो सकता है। तो इसको रख सकते हैं या इसको, पहले चेक करते हैं फर्स्ट को। अगर फर्स्ट रख, यहाँ जो चीज़ रखेंगे उसी से यहाँ पे गुना करेंगे, एक बात ध्यान में रखना, यहाँ जो चीज़ रखेंगे उसी से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 16, और यहाँ करेंगे तो 4। देखिए, 4 से गुना करें तो हमारा 416 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 4 रखेंगे और 4 ऐड करेंगे, यहाँ जो चीज़ रखेंगे यहाँ पे वो चीज़ ऐड करेंगे। तो 104 कितना बार में, 4 बार में, तब जाके हमारा कितना आता है, 416। कितना आता है, 416 आता है। ये माइनस का साइन यहाँ पे होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं, इसको करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1। इसको अगर माइनस करेंगे तो कटम कटम कटम, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो देख सकते हैं हमारा जो 2916 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये साइड वाला जो होता है, दायां साइड वाला, वही हमारा वर्गमूल होता है। हमेशा इसका दुगना यहाँ पर होता है, इसका दुगना यहाँ पर। तो देख सकते हैं 54 का दुगना 108 यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये जो वर्गमूल निकाला हुआ है सही है। अगर इसका दुगना यहाँ पे नहीं होता तो वर्गमूल निकाला होता वो गलत हो जाता। तो हमारा इतना का वर्गमूल इतना हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 47 61 लिया हो गया, पेयर बनाएंगे पहले, एक दो, दो पेयर इसमें बन रहा है। पहले हमको लगाएंगे 47 में, किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये संख्या आता है। तो अगर बात कर लिया जाए 6 का तो 36 हो जाता है, और 7 का बात कर लिया जाए तो 49 हो जा रहा है। 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे, 47 से यहाँ पे 49, तो 7 बार में नहीं 6 बार में लगाएंगे हम लोग।
तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे प्लस, अब ये मैट्रिक्स पुराना हो गया, 6 6 36, यहाँ माइनस का साइन होता है, इसको ऐड करेंगे 12, यहाँ पे घटाएंगे तो 1, यहाँ घटाएंगे तो 1, यहाँ से दोनों अंक उतारेंगे 61। जब भी उतारा जाता है तो दोनों एक पेयर साथ में उतारा जाता है, एक पेयर मतलब दो संख्या एक साथ उतारा जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट में एक है, लास्ट में क्या है, एक है, तो एक कौन सी संख्या के स्क्वायर में आता है, तो कह सकते हैं कि अगर 9 का हम लोग स्क्वायर करें तो 81, लास्ट में एक इसमें आएगा, और एक 1 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो इसमें एक आता है, और कोई संख्या के बीच में नहीं आता है, सो संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, अब यहाँ पे हम कौन संख्या रखें और उसी से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, तो एक अगर रखेंगे तो एक से फिर गुना करेंगे तो उतना तो आएगा नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता है, इसलिए 9 से डायरेक्ट देखते हैं, 9 रखेंगे, 9 81 एक 8 18 20 और 2 26, 20 और 26 बचेगा हमारा 2, 9 और 2 11, देख सकते हैं 9 रखें तो हमारा पूरा इतना आंसर आ गया 1161। कितना रखें, 9 रखें, तो 9 यहाँ प्लस भी करेंगे और 9 यहाँ पर भी लिखेंगे, और इसका 129 में 9 से गुना करेंगे तो 1161 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे माइनस का साइन, इसको ऐड करेंगे, 18 की 8 2 एक 3 1, अब यहाँ पे हमारा इससे सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घटेगा यानी कट जाएगा, तो कह सकते हैं कि 47 से 61 का वर्गमूल 69 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दुगना यहाँ पे होता है, देख सकते हैं इसमें 2 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इतना इसमें था, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर 9th नंबर 10th नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है 9th नंबर और 10th नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे हम लोग, अब ये मेथड पुराना हो गया है तो अब जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। 2 अंक 2 अंक 73 लाना है तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 7 से अगर 49 8 का 64 और 9 का 81, तो 81 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 8 से लगाएंगे हम लोग, तो 8 यहाँ पे, यहाँ पर भी प्लस 8 यहाँ पे, 88 का 64, यहाँ माइनस, यहाँ जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पे करेंगे हम लोग 10 और 3 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ 6 6, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 9 6, अब देख सकते हैं 16 है, अब 6 यहाँ पे लास्ट में लाना है हमको, हमको लास्ट में क्या करना है 6, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि लास्ट में 6 आएगा, किसके स्क्वायर के अंत में 6 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर का 16 और 6 का स्क्वायर का 36, यही दोनों में लास्ट में 6 6 आता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो 4 पहले रख के देखते हैं हम लोग, 16 24 1 25 नहीं आ रहा, देख सकते हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे इतना आ गया इसलिए ये नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं 6 6 हम लोग रखते हैं, 16 है 6 रखते हैं, 36 का 6 36 39 39 का 9 3 6 3 9, देख सकते हैं 996 आ गया 6 रखने पर, यानी यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ प्लस और यहाँ पर भी 6, तो यहाँ से जब हम लोग गुना किए तो कितना आया 996, माइनस का साइन होगा, इसमें से घटाएंगे तो कट जाएगा आपस में, सभी आपस में कट जाएगा, तो लास्ट में जो कट गया तो हमारा ये जो यहाँ पे आया हुआ है 86 यानी 86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दुगना यहाँ पे, इसको पहले ऐड करते हैं, 12 के 2 7 1, इसका दुगना यहाँ पे है, गुना करके देख सकते हैं, 6 2 का 12 8 16 1 17, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं सेकेंड 10th नंबर क्वेश्चन, 62 और 41 से पेयर बनाएंगे, 1 2 2 पेयर बन रहा है इसमें, तो पहले 62 लगाएंगे तो किससे किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, ये आएगा 7 का 49 8 का आएगा 64, 8 का ज़्यादा हो जा रहा है, 8 का 64 ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए 7 से लगाएंगे, 7 यहाँ 7 प्लस यहाँ पे भी 7 7 7 49, माइनस का साइन, इसको ऐड करेंगे 14, इसको घटाएंगे 10 और 2 12 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ से 41, जब भी उतारेंगे तो दोनों साथ में, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 14 है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या हम लोग रखेंगे कि इतना संख्या आ जाएगा, उसी संख्या से गुना करने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो या तो 1 रख सकते हैं 1 का स्क्वायर या तो 9 का स्क्वायर में 1 आता है,
इसमें लास्ट में एक आता है, इसमें भी लास्ट में एक, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर ये रखेंगे तो एक, और एक से फिर गुणा करेंगे तो 141 रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये संख्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट जानेंगे कि ये संख्या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 अब प्लस, और 9 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। गुणा करके चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी 9 रखेंगे, यहाँ माइनस का साइन, तो इसको ऐड करेंगे तो 18 के 8 हाथ में 1 4 1 5 1। इसको अगर माइनस करेंगे तो सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दुगना यहाँ पे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें और कुछ क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11th और 12th इस चैप्टर में यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 43 है और 56 है, पेयर बनाएंगे, 1 2 पेयर बन गया हमारा। अब 43 से पहले पेयर में, तो 43 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 47 49 और 6 6 36। 36 इससे कम है, 49 इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसलिए 6 92 लगाएंगे 36। 6 92 में क्या लगाएंगे, 36, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाया जाता। इसको ऐड करेंगे तो 12, इसको माइनस करेंगे तो 13 7, ये कट जाएगा यहाँ से 56। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो कौन सी संख्या के स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में, तो 4 का तो 16 और 6 का तो 36, इसी संख्या के लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पे यही संख्या पुट करके देखेंगे, पहले 4 रख के देखते हैं, फिर अगर इससे नहीं आता है तो फिर 6 रख के देखेंगे हम लोग। तो 16 8 1 8 1 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे इससे तो नहीं आया, यहाँ पे इतना लाना था 756, यहाँ पे 496 आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो ये तो कन्फर्म है कि ये हो ही जाएगा, ये कन्फर्म है कि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे गुना करेंगे तो गुना करके चेक कर सकते हैं। गुना करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। गुना करेंगे 36 का 6 3 12 3 15 की 5 हाथ में 1 6 1 7, देख सकते हैं इतना आ गया, 756 माइनस में, तो ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12 13 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये सब अब मेथड पुराना हो गया, हम लोग पिछले क्लास में इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आप हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 60 है और 84 है, पेयर, एक पेयर दो पेयर, पहले पेयर में 60 लाना है हमको, तो 60 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, स्क्वायर की बात कर लिया जाए तो कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है 60, तो 77 49, 8 से करेंगे तो 68 64, ये ज़्यादा हो जा रहा है 8 से, 8 से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग लगाएंगे 7 से, तो 7 से 7 7 प्लस 77 49 हो जाएगा हमारा माइनस, जोड़ेंगे तो 14, इसका जब घटाएंगे हम लोग तो 10 में से 1 5 बचेगा तो 1, यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में, अब यहाँ पे हमारा 14 हो गया। अब 14 में इसका देख सकते हैं, इसका लास्ट अंक आया है 4, तो हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या है उसका स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो लास्ट में 4 आएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 68 64, यानी ये 4 ये 4, यही दो संख्या है, इसके इसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, अगर 4 रखते हैं हम लोग तो 4 रख के देखते हैं, सॉरी 4 नहीं 2 रखेंगे पहले, क्योंकि 2 का स्क्वायर में है तो पहले 2 रखेंगे और 2 से गुना करेंगे, तो 4 28, देख सकते हैं इससे नहीं आया, यहाँ पे 1148 है, यहाँ पे 248 आ रहा है, इससे नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये कन्फर्म है कि 8 रखेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 8 रखते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे करेंगे तो 1148 सॉरी 1184 है, माइनस ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे भी 8 होगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे इतना बार में तब जाके इतना आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ इसको टेबल को ध्यान में रखना है,
स्क्वायर वाला जो, सॉरी इसको मिटा दिए, स्क्वायर वाला जो टोबल है, आठ आठ सोलह के छः, हाथ में एक, चार एक, पाँच और एक, इसका दुगना यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे, ये हमारा आंसर, या आंसर यहाँ पे होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही था। अब हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर, यानी टू का एफ चल रहा है, तो एफ के बाद जी हम लोग अब चैप्टर देखते हैं उसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया हुआ। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन, अब चैप्टर नंबर प्रश्न वाले चल रहा है हमारा टू का जी, एफ खत्म हो गया, हम लोग टू का जी पढ़ रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ बोला कि निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। माने कहने का मतलब, तो ये जो संख्या दिया हुआ है परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से अगर कौन सी संख्या अगर घटा देंगे तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर बोला कि इस प्रकार घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें, यानी जो घटा के आएगा उसका फिर वर्गमूल हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, तो वही मेथड अपनाएंगे हम लोग, पुराने वाले मेथड यानी भाग विधि। तो देखिए 408 पर सबसे पहले पेयर लगाएंगे, तो एक पेयर ए को अकेले रह जाएगा, ठीक है। तो चार है, तो चार किसके स्क्वायर में आता है, दो के, हम लोग जानते हैं। तो दो से लगाएंगे, दो प्लस टू टू जा फोर, यहाँ माइनस, यहाँ जोड़ेंगे तो चार, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमको, यहाँ खत्म, यहाँ तो देखिए यहाँ पे हमारा माइनस करके इतना आ गया, ये 08। अब 08 आ गया, अब यहाँ पे हम लोग कितना से लगाएंगे कि 08, अगर एक लिखते हैं, एक से गुना करेंगे तो इतना आएगा नहीं, ज़्यादा आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर एक लिखें एक से फिर गुना करेंगे तो 41 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 08 सिर्फ 8 है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो 0 लगाते हैं पहले और फिर यहाँ पे 0 ऐड करते हैं, और जब 0 से कोई भी संख्या में गुना किया जाता है, यहाँ पे जब 0 किए हैं तो यहाँ पर भी 0 करेंगे, और जब 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 0 हो जाता है हमारा, कितना होता है 0 0। यहाँ पे 0 लिखे हैं तो 0 ऐड भी करेंगे, और 0 में 0 से 0 बार में लगाएं तो 0 यहाँ पे भी लिखेंगे, और 0 में सब 0 में 40 से गुना करेंगे तो हमारा 0 0 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा 8 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 40, तो हमारा 8 से संख्या बच गया, क्या हो गया 8 बच गया। तो जब 8 बच गया है तो जो संख्या हमारा शेष बच जाता है उसी संख्या को, ये जो पहले संख्या जो दिया हुआ रहा था उसमें से माइनस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 408 में से 8 को घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 408 है, अगर 8 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 408 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा 400। तो 400 हम लोग जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको निकालना भी है। तो देखिए अगर इसको अगर माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये संख्या इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो 400 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे पहले, फिर तो देखिए ये जो घटाने के बाद, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इस प्रकार घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा 400, इस क्वेश्चन के अनुसार 400 इसमें प्राप्त हुआ है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो जो यहाँ पे पहले आया हुआ है इसका वर्गमूल उतना ही हो जाता है, इसके घटाने के बाद 400 है तो यहाँ पे जो पहले से आया हुआ है इसका वर्गमूल वही हो जाता है, नहीं तो इसको फिर दोबारा भी निकाल के चेक हम लोग कर सकते हैं, उतना ही आएगा। तो देखिए अगर 400 के फिर से निकालेंगे हम लोग, ऐसे तो एक यहाँ पे निकल ही गया है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 400 बचेगा, तो यहाँ 20 का वर्गमूल, यहाँ 40, दुगना यहाँ पे दिया हुआ है, किसका वर्गमूल है 20 का, और नहीं तो इसको परफेक्ट भी निकाल सकते हैं उसी प्रकार से, तो फिर उतना ही आएगा। तो 400 निकालना है 400 का, तो 20 आएगा, देख सकते हैं, फिर से लगाते हैं हम लोग, पेयर लगाएंगे दो से, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ चार, यहाँ चार हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 0, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 से लगाएंगे प्लस यहाँ पे 0, तो 0 लगाएंगे तब हमारा 0 0 आएगा, 40 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0, हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक में अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो वो संख्या
जीरो बन जाता है, तो जीरो जीरो आ गया, ये कट जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे जीरो यहाँ पे 40, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्गमूल होता है, तो इसका आंसर इसका दुगना यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी था, 20 यहाँ पे 40। तो अगर पूछा जाए कि घटाने के बाद उसका जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल निकालना है, तो जो यहाँ संख्या रहेगा वही संख्या हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है 1896 यानी 1896, इसको पेयर लगाएंगे तो एक दो, दो पेयर इसमें लग जा रहा है। तो पहला पेयर को हम लोग पहले डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 18 है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो 18 संख्या है कौन सी संख्या के स्क्वायर में आता है। तो किसी संख्या के स्क्वायर का 18 नहीं होता, लेकिन इसके नीचे हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। तो अगर 3 से बात करेंगे तो 9, 4 से 16, 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 16, आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 18 है यहाँ पे 25 हो जा रहा है, तो हम लोग 4 बार में लगाएंगे, 4 4 प्लस यहाँ पे भी 4, 4 चौका 16, माइनस करेंगे यहाँ पहले ऐड कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 2 ये कटेगा 96, जब भी यहाँ से उतारते हैं तो पेयर एक साथ, ये बात पुरानी हो चुकी है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको लगाना है, पहले देखते हैं 8 है किसके किसके बीच में आता है, यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया हुआ है 6, तो कौन सी संख्या के स्क्वायर के अंत में 6 आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 का 16 होता है और 6 का 36, इसी के स्क्वायर में इतना आता है। तो पहले इससे करके देखते हैं, यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 4 का 16 एक 32 और 33, देख सकते हैं यहाँ पे 200 है यहाँ 300 आ जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग और नीचे लगाएंगे, जैसे कि 3 से लगाए थे, 3 से लगा के पहले देखते हैं, 3 3 9 18 24, ये हमारा इससे कम है, 4 से ज़्यादा हो जा रहा था और 3 से लग रहा है हमारा, तो 3 से कम लगाते हैं ज़्यादा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लस 3 से आया कितना 249, माइनस करेंगे यहाँ पे भी 3 हम लोग लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम लोग तो 10 6 16 में से 7 9 हो जाएगा, तो 7 यहाँ बचेगा हमारा, 8 4 ये कट जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 यहाँ 8। तो देखिए ये जो संख्या हमारा बच गया 47 संख्या है बच गया, तो जो संख्या शेष बच जाता है उसी को इस संख्या में से क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, तो घटाया घटाए जाने वाली संख्या, अगर संख्या की बात की जाए पूछा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो कौन सी संख्या घटेगा 47। अब पूछ रहा है कि जो घटा देने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल बताइए, तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो यहाँ पे आया हुआ रहता है उसका वर्गमूल इतना ही हो जाता है। अगर हम लोग देखना चाहें तो इस संख्या में से घटाएंगे, पहले इस संख्या में से कितना 47 घटाएंगे, तो 47 अगर घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा 9 यहाँ 8 4 और यहाँ पे 8 1, ये संख्या हमारा इतना आएगा घटाने के बाद, यानी ये संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं था, तो कौन सी संख्या घटाएं 47 घटाएं। अगर इसी का पूछ दिया कि इसका वर्गमूल बताइए, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे जो पहले से संख्या है इसका वर्गमूल यही होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल इतना होता है 43। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में तीसरा नंबर प्रश्न लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5000, यानी 5000 का वर्गमूल निकालना है, ये परफेक्ट संख्या नहीं है, इसमें बोला है कि कौन सी संख्या घटाएंगे कि ये परफेक्ट संख्या बन जाएगा, तो इसको परफेक्ट संख्या जांच करने के लिए पहले निकालते हैं वर्गमूल। तो पहले पेयर एक दो पेयर, इसमें दो पेयर बन रहा है, तो पहले यहाँ पे 50 है तो इसके करीब में स्क्वायर वाली संख्या कौन सा होता है 49, यानी 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे 7 बार, यहाँ 7 से लगाएंगे 7 बार तो कितना 49, माइनस का साइन यहाँ ऐड कर देंगे तो 14, घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ से 0 0 उतारेंगे।
अब देखिए यहाँ पे 14 है, अगर एक लिख के एक से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 41 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे 141 हो जा रहा है, तो इसलिए इसको इतना ही रखते हैं पहले। तो देख सकते हैं अगर एक से हम लोग लगाएं तो 141 आ गया, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 100, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 से कम हो जाए चलेगा लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 0 बार में लगा रहे हैं। 0 बार में लगाएंगे तो 0 ऐड भी करेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, तो 0 लगाएंगे 140 यहाँ 0 बैठाएं तो 0 से गुना करेंगे तो सभी संख्या क्या हो जाएगा, 0 0। देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 0, माइनस करेंगे हम लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 आया हुआ, 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे पर 0 होता है, अगर घटाएंगे तो 0 0 1, यहाँ करेंगे तो 0 40 1, देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे आया हुआ है, इसका दुगना यहाँ पे है, तो यहाँ तक सही है, लेकिन पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे, तो घटाने वाला संख्या जो शेष बच गया है वही संख्या हम लोग घटाएंगे। आप लोग ये भी कर सकते हैं यहीं पर बच गया था तो यहीं से घटा देते, लेकिन वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाता, इसलिए यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 से गुना नहीं करते तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 है, तो 7 49 ही करा था, लेकिन इतना संख्या दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से 0 से लगाना जरूरी है। तो हम लोग कितना संख्या घटाएंगे, इसमें से 100 घटाएंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, घटाए जाने वाली संख्या, घटाए जाने वाली संख्या कितना है 100, अगर 100 घटा देंगे 5000 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4900। तो 4900 का पूछा है कि फिर वर्गमूल भी बताना है, 4900 का वर्गमूल, तो जो यहाँ पे संख्या पहले बताते आ रहे हैं कि जो भी यहाँ संख्या बचा हुआ है वही हमारा जो घटाए जाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होता है। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 49 से, यानी 4900, तो इसका वर्गमूल कितना, यहाँ पे जो संख्या आया हुआ है ये 70, इसका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हर लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7 बार मिले 49, यहाँ 1, यहाँ 00 एक साथ उतारेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबको लग रहा होगा, डाउट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ अगर 1 लगाए थे हम लोग, 1 लिख कर लगाए थे तो 141, यानी यहाँ पे 100 था, यहाँ 141 आ गया था, ज़्यादा हो गया था, तो एक बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 0 से लगाएंगे, तो 0 हम लोग लगाए थे, 0 से गुना करते हैं किसी भी संख्या में तो हमारा 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 0 से किए, इतना और इतना इतना, यहाँ पे हमारा इतना, अब देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका दुगना यहाँ पे है, तो इसमें घटाने पर हमारा 100 बचा, तो इस संख्या में से अगर 100 घटा देंगे, 5000 में से अगर 100 घटा देंगे तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका पूछा था कि वर्गमूल क्या होगा, तो ये जो 4900 है इसका वर्गमूल 70 हो जाएगा इसके हिसाब से, नहीं तो फिर आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए थे तो उसमें चेक भी हम लोग किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, इसमें और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको हम लोग आप सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब